कितना, वेरी गुड। उस ब्लड अच्छा, वो यही है, है? यही आप ही का घर है ना? यही। चलिए, ये घर बड़ा फेमस है, जानते हो कि नहीं जानते हो, है ना? हाँ बताइए, इस घर के बारे में बताइए आप। इतना घर बड़ा बनाए हैं आज कि उस घर में कोई रहने वाला भी नहीं है। क्यों? इसलिए कि हमारा बड़ा बेटा एक पुणे में रहता है, और उसे जो छोटा बेटा है वो बनारस में रहता है, एक उससे जो छोटा बेटा है वो गाजीपुर मेरे साथ रहता है। अच्छा, इस घर के अंदर में सिर्फ आप और भावेश रहते हैं, बाकी तो आप दोनों हॉस्टल में रहते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी कर रहे हैं। चलिए, बस यही एक घर प्रॉपर्टी? नहीं, इसके अलावा भी प्रॉपर्टी, मेरा दो प्लाट गाजीपुर में है। कितने का है? एक छोटा, दूसरा प्लाट है जो कि 50 लाख का है गाजीपुर में, गाजीपुर में। अच्छा, और एक जो तीसरा प्लाट है जो कि मेरा खुद का 1 करोड़ का है। 1 करोड़ का है? हाँ। और मैंने मुझे 1 करोड़ से बात याद आई कि आज से 3-4-5 महीने पहले मेरे को दीपक सर एक दिन कहानी सुना रहे थे कि श्याम सर की एक जमीन को सरकार ने अधिग्रहण कर लिया है जिसपे हाईवे बनने वाला है। कितना पैसा मिलना है आपको उसमें? 4 लेंथ में मेरा जमीन जा रहा है जिसमें 1-1.5 करोड़ रुपया मिलने वाला है। अच्छा, सरकार से 1.5 करोड़ रुपए का मुआवजा मिलने वाला है। तो आपने बेसिकली क्या है कि सारी की सारी प्रॉपर्टीज अपनी गाजीपुर में ही बहुत सारी अलग अलग प्रॉपर्टीज बनाई है, उसके अलावा भी कहीं? उसके अलावा भी मेरा प्रॉपर्टी है, एक प्लाट मेरा बनारस में है जो कि 1.5 करोड़ का प्लाट है। 1.5 करोड़ का प्लाट बनारस में है, गाजीपुर और बनारस के अलावा कहीं और? उसके अलावा भी मेरा एक प्लाट है जो कि लखनऊ में अंसल ग्रुप में है जो कि 2 करोड़ का प्लाट है। ये है, यही है आपका प्लॉट? यही है ना? यही है। सिर्फ प्लॉट या कुछ और है? और मेरे पास पहले एक थे, हमारे हस्बैंड जी का कार था, वो छोटी कार थी। उसके अलावा एक हमने स्मार्ट कार, वो स्कॉर्पियो लिए हैं, टॉप मॉडल स्कॉर्पियो है। हाँ। उसके बाद भी एक मेरा खुद का 4 इंडेवर कार जो कि 40 लाख की है। अच्छा, इनके अलावा 40 लाख रुपए का 4 इंडेवर कार है ये वाला? ओके, सो नाइस। अब जो मुद्दे की बात है वो ये है, आप पढ़ी लिखी ज्यादा है? नहीं पढ़ी लिखी है। क्या सेफ शॉप के अलावा आपके पास पैसे आने का, कमाई का कोई जरिया है गांव घर में? वो गांव का नाम क्या बताया था आपने? गोविंदपुर। गोविंदपुर में जमीन बेच के आपने ये सब कुछ खरीदा? नहीं। तो ये पैसा आया कहां से? ये पैसा हमारा सेफ साहब की बदौलत सारा पैसा है। मानता ही नहीं मैं, कोई नहीं मानता। नहीं, सेफ साहब की बदौलत है। मुझसे लोग ये सवाल पूछते हैं कि सेफ शॉप तो पैसा देता ही नहीं है। अंकल वेट, एक बात बताता हूँ। जब फादर नहीं थे तो हम लोग काफी छोटे थे, और अभी भी छोटे ही, अभी भी पढ़ाई ही करते हैं। उस टाइम काफी छोटे थे तो फादर ही जो थे वो सोर्स ऑफ इनकम थे, और उनके ना रहने के बाद वो सेफ शॉप थी, और उसी के बदौलत सब चीज दिख रहा। बेटा, मैं ये सवाल ना बार बार इसलिए पूछा क्योंकि लोग भी अक्सर ये सवाल बार बार पूछते हैं, क्या सेफ शॉप सच में आपको पैसा देता है? और सेफ शॉप नहीं होता तो आज हमारा वजूद नहीं होता, आज मैं यहाँ बैठा नहीं होता, आपके सामने मैं स्पीच नहीं दे पाता। बुरा मत मानिएगा मेरी बात का, मैं यही जवाब आपसे एक्सपेक्ट कर रहा था, यही सवाल लोग हमसे पूछ रहे हैं। नहीं, लोग कोई कंफ्यूजन ना रखे, आज जो भी है तो सोशल के बदौलत है यहाँ पे। दीपक, अभी हमने मम्मी ने वो कार की बात बताई, मुझे मालूम है कि ये फोर्ड एंडेवर कार तुमने अपने बर्थडे पे एक फैमिली गिफ्ट के रूप में खरीदी। व्हेन यू टर्न 18, जब तुम 18 साल के हुए, सो यू डिसाइडेड दैट नाउ यू कैन ड्राइव, लीगली ड्राइव, सो यू परचेस दिस कार, इज इट राइट? या, इट्स राइट। ये कार कितने की है बेटा? 40 लाख। 18 साल के 18वीं बर्थडे पे, अपने 18th बर्थडे पे एक लड़का अपने आप को खुद फैमिली के साथ डिस्कस करके एक कार गिफ्ट करता है जिसकी कीमत कितनी है बेटा, फिर से बोलना? 40 लाख। 40 लाख रुपए की कार खुद को गिफ्ट करता है। ना, तालीस पे मत बजाओ। मुझे दीपक सर के थ्रू पता चला है कि इस कार को खरीदने के पीछे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी कहानी है, याद है कुछ? कौन सी स्टोरी? जब तुम ये कार खरीदने के लिए जा रहे थे तो कुछ लोन वोन रिजेक्ट हो गया था? हाँ, लोन मिलना मना कर दिया था ना किसी ने? रिजेक्ट हो गया था। है? अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो क्या वो कहानी सुनाना चाहोगे? बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली वो अंकल की हमें लेनी थी मर्सिडीज बेंच,
थोड़ा बाइक में पास में मर्सिडीज बेंज लेनी थी अपने को, बट गाजीपुर के वैसे रोड कंजेशन नहीं थी, इसलिए हमने एसयूवी ट्राई करी। तो अपने मतलब बातचीत करी हम लोगों ने, तो हमने सोचा फोर्ड एंडेवर ले लेते हैं, वो अपने लिए कंफर्टेबल पड़ी। तो हमारी थिंकिंग ये थी कि 20 लाख कैश दे देते हैं, 20 लाख लोन ले लेते हैं। तो हमने 50,000 दे के एजेंसी में मैंने गाड़ी बुक कर दी। अच्छा, 20 लाख रुपया आपको डाउन पेमेंट करना था, 20 लाख का लोन था, 50,000 रुपया आपने एडवांस दे करके बुकिंग कर ली, गाड़ी बुक करवा ली। ओके, और 2-3 दिन बाद पता चलता है कि मेरा लोन रिजेक्ट हो गया है। अच्छा, लोन रिजेक्ट हो गया, 20 लाख का लोन रिजेक्ट हो गया। तो ये पता करने के लिए मैं एजेंसी शोरूम में जाता हूँ, तो मैं सेल्स मैनेजर से मिलता हूँ। तो बोलता है सर आपका मतलब कैंसिल हो गया, आप जीएम सर से बात करो, जनरल मैनेजर जो आपके। तो मैं केबिन में जाता हूँ, बैठता हूँ, बात करता हूँ। तो कहता है, तो मैं उसको अपनी ट्रांजेक्शन दिखाता हूँ, आरटीआर दिखाता हूँ, आरटीजी जितने भी रहते हैं और बैंक स्टेटमेंट, उनको तो सारी चीज़। क्यों किया? मतलब ये पहले कागज नहीं दिए थे आपने? सब कुछ था अवेलेबल, सब कुछ मैंने सबमिट किया, सारे पेपर दिए थे आपने, आईटीआर वाईटीआर सब दिया था, सब कुछ मैंने उनको सब कुछ दिखाया। तो उनका बस यही कहना था कि दिख तो सब रहा बट बिलीव नहीं हो रहा है। मतलब कह रहे कितने बड़े ट्रांजेक्शन सब कुछ हो रहे हैं, बैंक अकाउंट सब कुछ आपके क्लियर, स्टेटमेंट सब कुछ, मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि ऐसे भी ट्रांजेक्शन आपके अकाउंट में आ सकते हैं। अच्छा, फिर तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी कि हमारे फादर 18 इयर्स बैक मतलब उन्होंने ये कंपनी ज्वाइन करी। क्या फादर मतलब 18 इयर्स बैक में उन्होंने पहले, पापा ने 18 साल पहले कंपनी ज्वाइन करी है, काम स्टार्ट किया और उसके बाद मतलब ऐसे आता है ट्रांजेक्शन। तो कह रहा है कि पिताजी को गए 12 साल हो गए, इनको तो मेंशन नहीं है। तो मैंने बताया कि मम्मी मतलब फर्दर वर्क करते हैं, उनके नाम पे आता है। अच्छा चलिए ठीक है। तो फिर भी उनको इनका उनका एक ही जवाब था कि दिख तो सब रहा है बट बिलीव नहीं हो रहा है। फिर क्या हुआ? घंटों प्रयास करने के बाद मैंने दीपक अंकल को फोन किया कि दीपक अंकल ऐसी सी बात है। तो उन्होंने कहा ठीक बेटा फोन दो, मैं उनको समझाता हूँ। तो अंकल ने भी घंटों प्रयास करी, कहा कि देखिए। फिर दीपक सर ने किसको, जीएम को, जीएम को समझाने की कोशिश करी। तो उन्होंने भी अंकल ने समझाया कि देखिए इनके फादर थे, ऐसे ऐसा किया इन्होंने, फिर इनको आप पेपर्स देख लो सब कुछ। बट वो उनका सब देखी था, दिख तो सब रहा है, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन मुझे बिलीव नहीं हो रहा कैसे भी ट्रांजेक्शन आ सकते हैं या फिर ऐसे भी पैसा आपको हर हफ्ते आ सकते हैं। तो अंत में मैंने ये डिसाइड किया कि अब रहने तो यहाँ छोड़ो, अब 2 महीने बाद आएंगे और 40 लाख रुपए दे के कैश लेके गाड़ी उठा के। हाल ही यही बात हुई कि मैंने अपने बर्थडे के दिन मैंने 40 लाख रुपए दे के वो गाड़ी लेके आई। फिर उसके बाद 40 लाख रुपए कैश दिया और गाड़ी लेके आई, लेकर के आ गए। दिख तो रहा है पर बिलीव नहीं हो रहा, बिलीव नहीं हो रहा है, दिख तो रहा है पर बिलीव नहीं हो रहा है। और अब इससे मिलता जुलता एक और सवाल पूछा जाता हूँ बेटा तुमसे। मैं देखो, तुमने तुम्हारे फादर एक बिजनेस स्टार्ट करके गए, इवॉल्व मीडिया सपोर्ट सिस्टम और सेफ शॉप कंपनी ने उस नेटवर्क को लगातार आगे बढ़ाया, तुम्हारे पास लाखों करोड़ों रुपए आए तुम्हारे परिवार के पास में और वो लगातार आता ही रहेगा। 18th बर्थडे पे तुमने अपनी फैमिली के लिए एक कार गिफ्ट के रूप में परचेस की जिसकी कीमत 40 लाख रुपए। बेटा, कोई तुम्हारे दोस्त यार जान पहचान में कोई ऐसा तुम्हारा फ्रेंड है जिनके साथ, जिनकी फैमिली में उनके फादर के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया हो और वो भी, उनके फादर भी ना हो, तुम्हारा कोई फ्रेंड ऐसा? तुम्हारी एज क्लासमेट, क्लास 9 का था वो, मेरा क्लासमेट हुआ करता था। क्या 10th क्लास में? क्लास 9th में तुम्हारा क्लासमेट था।